मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने सरकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन से एक्साइज ड्यूटी और ऑक्सीजन से जीएसटी हटाने की मांग की है, जिससे ये जीवन रक्षक मरीजों को कम कीमतों में बाजार से उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाजार से कोरोना महामारी के दौरान अति आवश्यक दवाइयाँ और इक्विपमेंट गायब हो गए हैं और चोरी छिपे बाजार में 3 गुना दामों पर बेचे जा रहे हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। ये कोरोना काल में और पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग आ रही है अस्पतालों से। इसमें ऑक्सीजन पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो सरकार को ख़त्म करना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन जो अस्पताल जहाँ इलाज चल रहा है उनको उतने कम भाव में मिल सके, और रेमडेसिविर इंजेक्शन पे जो एक्साइज लगती है वो भी सरकार को ख़त्म करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अभी भी अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन बेड है वो नहीं मिल रहे हैं किसी भी अस्पताल में लगा लो। मतलब आज भी सरकार का दावा है कि संक्रमण कम हुआ है, लेकिन आज भी जो पीड़ित लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो घूम रहे हैं दर दर, और वो जिनको इंजेक्शन की आवश्यकता है, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं उसके पर्चे लेके घूमते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला दीजिए, नहीं मिल रहा है। छोटे अस्पताल को अगर उसको नीड है 50 तो उसको 5 दिए जाते हैं, तो वो जो फिर जानते हो कि जब 5 होंगे तो कालाबाजारी कैसे होगी उसमें, और अभी भी इसमें कालाबाजारी चल रही है। समाचार पत्रों में छपा कि इंदौर के अंदर सत्ता पक्ष के लोगों के कहने से इंजेक्शन बांटे गए, वो भी कालाबाजारी, उसका जो मूल्य है उससे ज़्यादा में, और यही स्थिति भोपाल में हुई है कि कुछ जो 850 जो इंजेक्शन हमीदिया अस्पताल से चोरी का जो नाटक रचा गया था, ये भी इसी का घोतक है कि सत्ता पक्ष के लोगों को इंजेक्शन मिल जाए वो भोपाल में भी इस तरह से बटे, ये मेरा आरोप है। दूसरा मेरा ये कहना है कि वैक्सीन जो अभी लग रही है, अभी आप चले जाइए जो संजीवनी है प्रियदर्शनी नगर में और दूसरी जगह, उसमें वैक्सीन ख़त्म हो गई, नहीं मिल रही है। जो सूरज नगर के अंदर डिस्पेंसरी है उसमें नहीं मिल लग पा रही है वैक्सीन। जो कोटरा के अंदर काटजू अस्पताल बना है उसके अंदर वैक्सीन नहीं लग रही, तो ये वैक्सीन उपलब्ध कराएं। और जो 1 तारीख से कहा जा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, ज़रूरत नहीं है, प्रथम आओ प्रथम पाओ, उसके आधार पे लोगों को वैक्सीन उसमें लगाई जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में ही कैपिटल रेट जो है 85% हो गया, मगर 100 में से 85 लोग जो है स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं, ये सरकार कह रही है। ऑक्सीजन भी लेकर सरकार के लगातार दावे हर मामले में झूठे हैं, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और रिकवरी रेट और लोगों के जो टेस्टिंग कम हो रही है जिससे फिगर कम दिख रहा है। अगर टेस्टिंग बराबर होती रहेगी तो ये मान के चलिए हर तीसरा आदमी आज कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन टेस्टिंग कम हो रही है, इसके अलावा भी मौत के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। अभी भी भदभदा में कल भी हमने पता लगाया 100 के आसपास प्रतिदिन वहाँ पर जो लोगों का दाह संस्कार हो रहा है, बाकी सुभाष नगर अलग, कब्रस्तानों में अलग, ये सब स्थिति चल रही है। और अभी भी सरकार ने जो विधायक निधि से पैसे हमने सैंक्शन किए हैं कि जेपी अस्पताल में, कार्डियो अस्पताल में 10-10 बेड के आईसीयू बना दें, क्योंकि ये अभी चलेगी, इसका कहा जा रहा है कि सेकंड बार थर्ड वो और आने वाली है लहर, तो ये अभी से अगर तैयारी नहीं की तो वही स्थिति होगी जो अभी हुई, तो वो पैसा सैंक्शन करके वो पैसा लगवा दीजिए जहाँ जहाँ हमने लिख के दिया है, वो उसमें क्यों क्या दिक्कत आ रही है, उसमें भी भेदभाव हो रहे हैं। मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से सरकार के, उस पर तुरंत कार्रवाई हो कि जो ये लॉकडाउन पीरियड है जो कि मैं समझता हूँ कि लगभग 1 महीना हो गया है, बीपीएल कार्डधारी जो लोग हैं गरीब लोग उनके बिजली के बिल सरकार को निरस्त कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। और जो राशन देने की बात हो रही है वो कार्ड पे नहीं, जैसा पहले भी हुआ था आधार कार्ड पे दिया जाना चाहिए, जिससे हर एक गरीब आदमी को राशन मिल जाए, क्योंकि इन दिनों जो लोग परेशान हुए, काम धंधे बंद हो गए, उनको राशन कैसे मिलेगा, ये सरकार को देखना चाहिए।
और जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन जनरेटर्स, ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि कोई आदमी अगर घर पे रहना चाहता है ऑक्सीजन उसको है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो उपलब्ध होना चाहिए मार्केट के अंदर। सरकार इस चीज़ को देखे जिससे ऐसे लोग जो कोरोना निगेटिव आ चुके हैं और कुछ ऑक्सीजन को लग रही है और वो घर पे रहना चाहते हैं तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, और दूसरे जितने भी और बहुत से इक्विपमेंट हैं उसमें भी यही स्थिति आ रही है। तो ये जो इस कोरोना काल के अंदर और जितने और इक्विपमेंट्स हैं इसमें भी कालाबाजारी हो रही है, अब तो प्लाज्मा में भी कालाबाजारी हो रही है, वो भी काला बाजार मिल रहा है, लोग उसमें बहुत पैसा ज़्यादा लेकर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो फ्री में लोगों को भोपाल में हमने देखा प्लाज्मा दिया है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है आफ्टर इफेक्ट इनको करें। और अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, छोटे अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने रोज़ इसकी बांटने के तरीके बदले, एक तरीका अगर रखते हैं, और आज ये स्थिति पैदा करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको दवा मार्केट के अंदर वो इंजेक्शन मिल जाए और वो अपने मरीज को लगवा ले, उसको अगर भटकना पड़ रहा है तो मैं नहीं समझता कि इतने दिन होने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।